जैसे जगाधरी पुरानी अनाज मंडी में किस तरीके से आज जो आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम था वो सफलतापूर्वक करने के बाद जो है सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद वह हरियाणा प्रभारी जो है वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से आज का जो कार्यक्रम था उसमें विशेष तौर पर सुशील गुप्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और अब जो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो है अपनी गाड़ियों में जो है रवाना होते नजर आ रहे हैं। जगाधरी में जो आज की रैली हुई थी उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सफलतापूर्वक? आज पूरा जगाधरी शहर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, चारों तरफ लोगों के मेले लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं अब हरियाणा बदलेगा रैली को संबोधित करने के लिए। हरियाणा में भी केजरीवाल चाहते हैं हरियाणा के लोग, और हरियाणा की लोगों की आवाज पे उनके निमंत्रण पे अरविंद जी आ रहे हैं 29 मई को कुरुक्षेत्र में। आज मैं सबको आमंत्रित करने के लिए आया था, वहाँ पे आदर्श पाल जी ने इसका आयोजन किया और हजारों की संख्या में आज लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, सब ने हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी के अंदर ज्वाइन करने की शपथ ली। आदर्श पाल जी को आज आपने झाड़ू थमा दिया, राजनीति को साफ करेंगे जगाधरी की जो गंदी राजनीति आपको लगता है यहाँ पर हरियाणा में? झाड़ू का काम ही सफाई करना है, वो घर की भी सफाई करती है, देश की भी सफाई करेगी, राज्य की भी सफाई करेगी, भ्रष्टाचार की भी सफाई करेगी और भ्रष्टाचारियों की भी सफाई करेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुशील गुप्ता जी ने जिस तरीके से जवाब दिया, और बात करेंगे आदर्श पाल गुज्जर जी भी यहाँ पर, मुझे उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ आज की रैली को लेकर कार्यक्रम खास था। निर्मल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो यहाँ जगाधरी पहुंचे, और सबसे बड़ी बधाई आपको कि आपने आम आदमी ज्वाइन किया, क्या सोचकर ज्वाइन की थी, किस तरीके से आगे राजनीति करेंगे? केजरीवाल जी का प्रोग्राम की वजह से ज्वाइन किया जी, उनका जो पूर्ण व्यवस्था को बदलने का उन्होंने बीड़ा उठाया है उसने ही सबको प्रभावित किया है, जो दिल्ली मॉडल जो है वो सबको। आम आदमी के परिवार में शामिल हुए हैं, कितनी खुशी है, पहले आप कांग्रेस में थे, बहुत खुश। पंजाब में आम आदमी पार्टी का किस तरीके से बोलबाला है वो आप सभी को पता, लेकिन अब हरियाणा में भी जो है गर्मजोशी से आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। अगर जगाधरी विधानसभा की बात करें तो आज एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा जो रैली थी वो आदर्श पाल गुज्जर जी के द्वारा की गई, यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे, सुशील गुप्ता जी यहाँ पर स्पेशल, अभी आपने बाइट सुनी, तो अब हमारे साथ है आदर्श पाल गुज्जर जिन्होंने अभी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और किस तरीके से आज जो है उनको झाड़ू पकड़ाकर और किस तरीके से यमुनानगर के अंदर जगाधरी के अंदर जो राजनीति साफ करने का जो प्रयास है वो शुरू किया है। सबसे पहले आदर्श पाल जी चैनल पर स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज की जो विशाल जनसभा की गई थी बहुत बढ़िया थी, लेकिन क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी, किस तरीके से हरियाणा के अंदर जगाधरी के अंदर आप इस कार्य को कुशल करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूँ कि आपने मेरा ये प्रोग्राम आज कवर किया जी। दूसरे मैं एक स्वच्छ राजनीति करने वाला इंसान हूँ, मैंने जहाँ भी काम किया, बसपा में काम किया, इंडियन नेशनल लोकदल में काम किया, वहाँ पर मैं तन्मयता के साथ कोई भी काम करता हूँ, और अपने लोगों का हाथ जहाँ से भी लोग आए वो आपने आज देखा, और ये एक प्रतीक है कि हरियाणा आज एक बदलाव की तरफ चल चुका, वैसे तो पूरा देश आज बदलाव चाहता है। ये जो कुशासन की राजनीति हमेशा आई, दबाव की राजनीति एक चलती आई, उससे एक निजात पाने का एक रास्ता आज जगाधरी से शुरू हुआ जी। तो आज का क्या खास कार्यक्रम था, आगे जो बड़ी रैली होने वाली कुछ है तो उसका आमंत्रण था या आपकी ज्वाइनिंग की एक बड़ी पार्टी? नहीं, ये एक उसका आमंत्रण तो था ही था, और मैं लोगों से रूबरू होना चाहता था कि उसके बाद मैं ये महसूस करता था कि शायद मैंने कोई गलत स्टेप तो ले लिया, लेकिन आज लोगों ने इतना प्यार दिखा के मुझे दिखा दिया कि नहीं, ये स्टेप करेक्ट स्टेप था और ये एक वक्त की जरूरत है। आदर्श पाल जैसा जी आपका नाम है, आप जगाधरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लिए लड़ेंगे तो किन आदर्शों पर आप लड़ने वाले हैं, कैसी राजनीति है जो आपने साफ करनी है? आम आदमी पार्टी का एक दावा रहता है कि राजनीति को बढ़िया करेंगे, वो हरियाणा को बेहतर बनाएंगे, तो आपका किन मुद्दों पर रहेगा? हरियाणा की बात तो मेरे बड़े लीडर आपको बताएंगे, मैं तो जगाधरी शहर की बात करता हूँ। यहाँ इस जगाधरी शहर का आज तक कुछ भी नहीं बदला, लगभग 30 साल से मैं देखता हूँ इस जगाधरी शहर को, इसका कुछ भी नहीं बदला। इंस्पेक्टरी राज आज भी यहाँ जुका तो चलता है, यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने हैं, छोटे छोटे से, उनके अंदर जाके इंस्पेक्टर घुस जाते हैं, आरओ घुस जाते हैं, जबरदस्ती 14 लाख रुपए की डिवाइस लगाई जाती है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है जी, जबरदस्ती। उससे आपको निजात मिलेगी, इस भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। मैं बात करता हूँ, एक हाईवे बनने जा रहा है हमारे यहाँ, जो कि कैल से निकल के काठवाड़ा गांव से निकल के और चाहड़ों से होता हुआ, वो पंजट्टों से होता हुआ हाईवे 73A है, उसके अंदर कभी आपने देखा है सर्कल रेट कभी कम हुआ है क्या? जहाँ जहाँ से वो हाईवे गुजर रहा है वहाँ पे अगर 50 लाख रुपए का सर्कल रेट था उसका रेट घटा के गवर्नमेंट ने 27 लाख कर दिया। किसानों का गला घोटने का काम करती है सरकार, इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। हमने RTI लगाई और हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर,
जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है वो होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। मैं बात करता हूँ छछरौली की, एक कितना बड़ा एक एक राजा की रियासत होती थी, छछरौली का क्या बदला, आज भी गांव है, नगर पालिका आज तक क्यों नहीं बनी, इससे बड़ा पद शायद ही जगाधरी में ना है, जो आज यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं हमारे, आज तक सब डिवीजन क्यों नहीं बना उसका, सब डिवीजन बनना चाहिए था। अब जैसे जगाधरी पुरानी अनाज मंडी में किस तरीके से आज जो आम पार्टी में, तो आगे लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हर आदमी की इच्छा होती है कि वो विधानसभा जाए और अपने मात दी थी आपने पिछली बार भी। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ा हूँ और आपने देखा है उसमें कोई, मैं अपने आप को हराव नहीं मानता कभी भी, लेकिन ये मैं दूसरे दल के अंदर गया हूँ, वो दल अगर मुझे एक्सेप्ट करेगा, मेरे अंदर ऐसी खूबियाँ देखेगा तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, अगर वो चाहेगा तो मैं पार्टी की सेवा। इस दल की तो लहर भी है पूरे देश में बन रही है, तो जगाधरी में लहर नहीं सुनामी है, ये बिल्कुल लाएंगे। जगाधरी से आज आगाज हुआ है, ये आगाज आपको पूरे हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा आज। तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? बस मैं तो ये उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से कि एक अच्छी पार्टी, एक देशभक्त पार्टी अब आपको मिल चुकी है, बदलाव होगा, आपको भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें मिलेंगी, इस देश की तकदीर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श पाल जी। तो ये हमारे साथ थे आदर्श पाल गुर्जर, जो कि आज जगाधरी पुरानी अनाज मंडी में एक विचार रैली हुई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, और अपडेट्स के लिए बने रहें जगाधरी से। सरन जी।